सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूँ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। कहीं अपने नाबालिग बच्चों के हाथ में गाड़ी की चाबी देने तो नहीं जा रहे हैं? अगर हाँ तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा। नाबालिग बच्चे के प्रति आपका यह प्यार आपके जी का जंजाल बन सकता है, वह इसलिए क्योंकि अगर उनके वाहन चलाते समय कोई भी अप्रिय घटना घटी तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आपको अपने बच्चे की गलती के लिए न सिर्फ जुर्माना भरना पड़ेगा बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। ऐसे में वाहन की चाबियां जरा संभाल कर रखें और सोच समझ कर बच्चों को इस तरह की छूट दें, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के नियम बहुत ही कड़े हैं जिससे आप बच नहीं पाएंगे। पुणे में एक लग्जरी पोर्से कार से नाबालिग से हुए एक्सीडेंट मामले में एक बार फिर से माता पिता की जवाबदेही को सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल नाबालिग की महंगी लग्जरी कार से दो लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में भले ही फिलहाल उसे जमानत मिल गई हो, लेकिन उसके बिल्डर पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चलें कि इस घटना में दो बाइक सवारों की मौत हो गई थी। बताते हैं दोनों मृतक मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और पेशे से IT इंजीनियर थे। इस मामले में महज 15 घंटे के भीतर जुबनाइल कोर्ट ने आरोपी को 300 शब्दों का निबंध लिखवाकर और ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने समेत कुछ अन्य शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। गौरतलब है मोटर व्हीकल एक्ट में नाबालिग अपराधियों के लिए एक अलग धारा है। इसमें साफ लिखा है कि इस तरह के मामलों में अभिभावक या फिर वाहन मालिकों को दोषी माना जाएगा। ऐसे मामलों में उनको 3 साल तक की जेल की सजा दी जाएगी, साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। कानून में इस बात का जिक्र है कि ऐसे मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत यह मान लेगी कि नाबालिग वाहन का इस्तेमाल अभिभावक या मालिक की सहमति से किया है। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक किसी भी दुर्घटना या अपराध में शामिल नाबालिगों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी 1 साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा। बहरहाल पुणे की घटना के बाद एक बार फिर यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या आरोपी को जमानत मिलना सही है। हालांकि पुलिस अब इस मामले में सख्त सजा की मांग कर रही है। उसने सेशन कोर्ट में इसके लिए एक याचिका भी दायर की है। दरअसल लड़के ने भी ये माना था कि वह शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि अभी पुणे एक्सीडेंट का मामला शांत भी नहीं हुआ है कि इसी बीच मुंबई में एक और नाबालिग द्वारा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने ड्राइव करने वाले नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में सवाल रहने की जरूरत है, अगर नाबालिग बच्चों के प्यार में आकर उन्हें वाहन की चाबी सौंपते हैं और कोई घटना घट जाती है तो सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। शुरू हो चुका है काउंटिंग का काउंटडाउन। 4 जून को मिलेगी नई सरकार।
आई इंडिया पर देखें 80 सीटों का हार। मतगणना की महाकवरेज 4 जून को सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।